हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो है मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे ये देखिए सारे सामान वगैरह जो है फैल जाता है। तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो सारा सामान जो है फिर निकालना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है ठीक से, मतलब बहुत काम हो जाता है। तो बस अभी ये इसका भी मैं वीडियो बनाई थी, मेरा अमेजन हॉल का एक वीडियो बनाना था। तो ये देखिए अभी मैं सारा सामान जो है अभी रख देती हूँ। और ये हैंड पर्स जो है ना, इसका मुझे कलर चेंज कराना है। तो ये मतलब ये वाला जो कलर है ना, क्रीम कलर, तो दूसरा कलर मैं एक्सचेंज में मैंने डाला है, तो ये एक्सचेंज कराऊंगी। और ये हैंड पर्स जो छोटा वाला है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो छोटा वाला मतलब कहीं अगर पास में मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो छोटा वाला मैं ले लूँगी, और बड़ा वाला कहीं मतलब कहीं आएंगे जाएंगे तो फिर बड़ा वाला जो है वो मैं ले लूँगी। और बस अभी सारा सामान वगैरह जो है मैंने रख दिया है, और साथ ही साथ अभी मैं खाना भी बना रही थी। तो फ्रेंड्स आज ये देखिए, आज हमारे यहाँ पे ना फिश बनेगा, तो ये फिश लेके आए हैं। तो ये देखिए इसमें भी है, कितना है ये, 3 किलो। तो हमारी फैमिली ना बड़ी है, इसी वजह से जो है इतना सारा मछली आया है। तो अभी ये बनेगा, अब इसको बनाएंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन है ना, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है फिश को क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं पहले। तो इसमें नमक डाला है टेस्ट के अनुसार, और इसमें हल्दी वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। और अभी ये देखिए तेल हमने डाल दिया है, तो तेल सरसों का तेल ही डाला है हमने, तो इसी में अभी फ्राई कर रहे हैं सारे फिश को। और मतलब सरसों के तेल से फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है फिश भी। और ज़्यादातर ना हम लोग जो है सब्जी, कोई सा भी सब्जी बनाते हैं तो सरसों का तेल में ही बनाते हैं। तो ये देखिए अभी फ्राई कर लिए हैं, एकदम मतलब लाल होने देते हैं, कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा था, और जब मैं फिश बना रही थी ना, फिर अर्जेंट ना मुझे और इनको कहीं जाना पड़ा, तो फिर एक ही बार जो है मैं मतलब 2 घंटे बाद आई। और खाना जो है तब तक सासू माँ बना चुके थे, तो अभी अभी हम लोग खाना खा के बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और यहाँ पे अभी देखिए सब लोग सोए हैं, दादी जी भी हैं, और सारे कपड़े वगैरह इधर उधर जो है बारिश की वजह से ना पसार दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि आज भी बारिश आ रहा है, बारिश नहीं रुका हुआ है, कल भी एक टाइम तो बारिश आया। और बारिश की वजह से हम लोग शादी घर भी नहीं जा पाए, इतना बारिश आया, नहीं तो मतलब पूरा तैयारी हो गई थी शादी में जाने का, तो फिर बारिश नहीं रुका, इसी वजह से नहीं गए। और अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको टाइल्स, जो जो मैंने टाइल्स लाया है ना वो अभी मैं दिखाती हूँ। नीचे वाले जो रूम में है ना, नीचे वाले में है। तो अभी खाना वगैरह खा के वो मनीषा अपना क्लास कर रही है, और ये जो है अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज वाला जो वीडियो गया है वो डुगू सोया है, गोलू भी अभी किधर गया है, दादी जी भी यहाँ पे बैठी हैं। तो देखिए दादी जी, तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद मैं टाइल्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये टाइल्स जो है ये वाला किचन के स्लैब में लगेगा, तो ये ब्लैक कलर का है, ये देखिए इतना बड़ा है। और ये जो है फ्लोर में लगेगा, किचन के फ्लोर में, तो ये इतना सारा है यहाँ पे। और इसका अभी पूरा पैक था, तो थोड़ा सा मैं डिज़ाइन दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए इस तरीके का है कुछ, और सारा सामान वगैरह ना इसी में, मतलब जो हम लोग का स्टोर रूम है तो यहीं पे अभी रखाया है सारा सामान। तो ये देखिए यहीं पे टाइल्स वगैरह भी रख दिए थे, और ये देखिए आलू का बोरी आया था, तो उसको भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सारा सामान ना हम लोग का ज़्यादातर जो है यहीं पे रखाता है, और चावल वगैरह सब कुछ यहीं पे है। और ये देखिए ये जो किचन के वॉल में लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके का है, इसका डिज़ाइन अभी नहीं दिख रहा था, मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, पर सारा जो है पैक था। तो कोई नहीं, जब लग जाएगा ना फिर मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगी सारा
टाइल्स का क्या क्या डिजाइन। तो हम लोग ना अभी जो है रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब जाना है, एक पार्टी है। तो जैसे कि मैं बताई थी ना पहले कि जो शादी था तो कल वहाँ पे नहीं जा पाए, तो फिर यहीं पे अभी लड़के वाले के यहाँ पे जो शादी हो रहा था ना, रीना का मामा का बेटी का, तो हमारे गांव में ही शादी हुआ है, तो वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं लड़के वालों की तरफ से। तो लड़की वालों के वहाँ से भी मतलब हमको कार्ड मिला था, और लड़के वाले के यहाँ से भी कार्ड मिला था, तो फिर अभी जा रहे हैं और दुल्हन से भी मिल लेंगे क्योंकि कल नहीं गए थे। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बस हम लोग जाएंगे। और डुगू भी कपड़ा पहन रहा है, और मैंने ये वाला सेट पहन लिया, ये देखिए, और अभी इसका इयर रिंग्स मैं पहन रही हूँ, तो ये देखिए इतना बड़ा बड़ा है ना, ये देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा हो रहा है। तो अभी मैं इसको पहनूँगी, और तो ये वाला जो है ना मैंने साड़ी पहना हुआ है, ये देखिए, और ये वाला साड़ी जो है मैंने मीशो से मंगाया है। तो ये अभी मैं पहन ली, उसका ब्लाउज जो है मैंने ये वाला पहन लिया है। और चलिए अभी मैं फटाफट तैयार होके जाती हूँ, क्योंकि चाची जी और सब लोग मतलब बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं सोच रही थी ना थोड़ा सा बालों में कर्ल भी करूँगी, लेकिन टाइम नहीं है तो नहीं करूँगी। वैसे तो घूंघट लेना ही है, क्योंकि ससुराल है, ससुराल में तो घूंघट लेना ही पड़ता है। और मेकअप में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है, ये देखिए आई शेडो वगैरह जो है मैंने सारा कुछ लगा लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा। और अभी जा रही बाल बनाऊँगी, उसके बाद निकलेंगे। तो अभी ये देखिए हम लोग सब लोग तैयार हो के ना आ गए थे चाची जी के साथ, और रीना रीना की भाभी। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि रीना सब जो है कितने भाई बहन हैं, तो रीना एक बहन है और इसके एक भैया हैं, तो जिनकी शादी हो चुकी हैं। और हाँ, हम लोग जो है रीना के मामा के बेटी के शादी में आए थे, तो यहाँ पे ये देखिए सब लोग आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, और ये रूम है, तो रूम में ही अभी सब लोग बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे। और ये जो है हमारी ननद ही लगती हैं, रीना की मामा की बेटी, तो मेरी ननद ही हुई एक तरह से। और यहाँ पे अभी सब लोग फ़ोटो वगैरह जो है वो ले रहे थे, बातें हो रही थी, क्योंकि इनकी रीना और ये जो है अपन मतलब बहन हुई, तो अभी बहन बहन में ही बातें हुई थी। मतलब सब लोग अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, वीडियो भी ले लेते हैं, और अभी मतलब थोड़ी देर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो है अभी जाएंगे। मतलब एक घंटे यहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं, चाची जी भी हैं और मेरी देवरानी, मतलब सब लोग आए थे तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो सब लोग बस फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। और डुग्गू यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे मैं मनीषा को बुला रही थी, पर मनीषा आ नहीं रही थी। वो फ़ोटो मतलब लेने में ना फ़ोटो क्लिक नहीं करवाती है, वो ऐसी है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी बातचीत हम लोग का हो गया था, तो यहाँ पे ना अभी खाना खाने बैठे हैं, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग भी खा लेते हैं खाना, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से ना मेरा ससुराल जो है ज़्यादा दूर नहीं है, सामने है, तो फिर हम लोग अभी खाना वगैरह खा के, और ये देखिए रीना, तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब भी ये लोग का जो है मुँह नीचे हो जाता है, मनीषा का भी, रीना का भी, और चाची जी जो है पीछे बैठे। तो अभी ना हम लोग का जो है खाना पीना हो गया है, और अभी एक बार मिल रहे हैं और उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे इतना तेज़ मतलब आवाज़ आ रहा था ना पीछे से, इसी वजह से मैंने वॉइस को कट कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसा लगा आप सबको? तो अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब